फ्रेंड्स, दिस इज़ अमृता अगेन और इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया प्रोडक्ट जो कि ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए या एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप भी नॉन स्टिक मॉइस्चराइज़र, डेली मॉइस्चराइज़र को लेकर के कंसर्न्ड है या आपको नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो एक बार आप ना ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखिए। ये वाला जो है ना, ये वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने इसे ट्राई किया अपने स्किन पे। करीब 2 महीने से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और मुझे अपने पिंपल्स में काफ़ी फ़र्क नज़र आया है, अपने स्किन के टेक्सचर में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। सो अल्टीमेटली इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये ग्रीन टी और ग्लाइकोलिक एसिड इसके अंदर है, जो कि आपके स्किन के लिए अच्छा रहता है। नॉट टू मेंशन इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल आपके स्किन को उतना अच्छा नहीं बनाता है। मोस्टली ये केमिकली होता है जो आपके स्किन को के ऊपर थोड़ा सा हार्श पड़ता है, पर क्योंकि उसके इतने इस प्रोडक्ट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो मैंने तो उसको इग्नोर कर दिया। सो, अगर आपको ये इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं कि आप इसकी पैकेजिंग जो है एक पंप के साथ ये आता है, आपको बस प्रेस करना है, एक पी साइज प्रोडक्ट आउट हो जाएगा बॉटल से और आप उसे यूज़ करिए। और इस प्रोडक्ट की ख़ास बात यह है कि ये जो है स्टिकी नहीं है। ये जैसे ही आप इसको लगाओगे फेस पे, एकदम क्विकली नैनो सेकंड्स में ना ये स्किन में चले जाता है, तो ये एकदम आपको फील अच्छा आएगा। साथ में इसमें लिखा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। ये कॉमेडोजेनिक जो होता है ना, ये मेन पॉइंट होता है जब भी हम कभी कोई मॉइस्चराइज़र ख़रीदते हैं, तो ये एक मैटिफाई है पहली बात तो। पर जो जिस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ वो इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके पोर्स को ना क्लॉग नहीं करता। सो ये एक मेन इंग्रेडिएंट है इस मॉइस्चराइज़र का। इसमें लिखा है कि ये 100% वेगन है, इसमें कोई केमिकल पैराबेन फ्री है ये, और ये आपको 450 रुपीज़ का पड़ेगा। 50 ml इसका क्वांटिटी है। इसके अलावा बॉटल पे तो इतना ही लिखा है, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है जो कि मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। स्वैचेस भी मैं आपको इस प्रोडक्ट का दे दूंगी जो कि आप को दिख जाएगा इसी वीडियो के एंड में। पर जो मेन चीज़ है इस प्रोडक्ट की वो यही है कि आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आजकल प्लम के प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, आपके बजट रेंज के अंदर ये आ सकता है। अगर आप 450 के या 500 के अंदर का कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो इसकी ग्रीन टी रेंज काफ़ी अच्छी है जिसमें फेस वॉश भी है और ये मॉइस्चराइज़र है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक और प्लम का प्रोडक्ट है, वो जेल मॉइस्चराइज़र है। अगर आप देखना चाहते हैं उसका रिव्यू तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी रिव्यू आपको दे दूँगी। साथ के साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैंने अभी बहुत सारे मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हैं। मैंने लोटस का भी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, पर मुझे लोटस से बेटर ये लगा क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। और बाकी इट्स अप टू यू, हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हो सकता है मेरा अच्छा है तो आपका अच्छा नहीं रहे। अगर आपका अच्छा नहीं रहता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमको सबको बताइए, क्योंकि ये दूसरों को हेल्प करेगा जो भी ये वीडियो देखेंगे या जो भी ये प्रोडक्ट परचेस करने की सोच रहे होंगे, उन सबको हेल्प करेगा। तो इसके अलावा तो इस प्रोडक्ट में जो चीज़ है वो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इतनी सी बॉटल है कहीं पे भी लेके जा सकते हो। और साथ में इसमें ये लिखा जाता है कि आप इसको नहाने के बाद, यानी कि सुबह या मॉर्निंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें SPF नहीं है, विच इज़ क्वाइट अ माइनस पॉइंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज आजकल मॉइस्चराइजर्स के अंदर SPF आता है। पर फिर भी
फिर भी मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ है। और अगर आपको भी ये अच्छा लग रहा हो या आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो मुझसे डिफ़र करता हुआ, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें देखिएगा और लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक करिएगा। हो सकता है कई बार होता है कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ लेकिन फिर मैं अगर कुछ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो वीडियो में नहीं डाल पाती हूँ तो फिर मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। सो थैंक यू एंड लेट्स चेक आउट द स्वैचेस एंड some more information about the bottle.